दोस्तों उत्तम टेक्निकल हेल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हैगो एप्लीकेशन में अगर आप कोई भी अनलीगल एक्टिविटी करते हैं या फिर आप चैट रूम में जाके किसी को गाली देते हैं या फिर आप किसी को अनलीगल कुछ भी करते हैं तो वहां पे लोग आपकी आईडी पे कर देते हैं रिपोर्ट, जिससे आईडी हो जाती है हमारी पूरी तरह से बैन। अब बैन आईडी को अनबैन कैसे करना है वो सब चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं नहीं बताऊंगा आज आपको, हैगो के डेवलपर्स जिसने हैगो बनाया है ठीक है वो तुम्हें डायरेक्टली यहां पे खुद ही बताने वाले हैं कि आप इस हैगो आईडी को कैसे अनहाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उनके डेवलपर से ऑलरेडी बात कर ली है। तो मैंने इसके बारे में उनसे डिस्कस किया था कि जो हैगो में आइडिया बैन हो जाती हैं, कुछ आइडिया गलती से हो जाती हैं, कुछ आइडिया मतलब लोग गलती नहीं करना चाहते हैं लेकिन उनका अकाउंट किसी कारण वह दूसरे के पास चला जाता है जिससे उनका अकाउंट बैन हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो अपनी गलती को मान लेते हैं और वो अपना अकाउंट फिर से दोबारा से एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, पूरी उन्होंने मुझे जानकारी दी और वो चैट मैं आपको यहाँ पे पूरी पढ़ाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। उसी के आधार पे आप अपना कोई भी बैन अकाउंट फिर से पहले की तरह एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए मेरे भाई। तो जिन लोगों की ये समस्या है वीडियो को एंड तक जरूर देख लें कि जिनकी आईडी बैन हुई है और आईडी बैन कैसे करनी है, जो लोग आपको गाली देते हैं परेशान करते हैं उनकी आईडी को बैन कैसे करना है वो भी मैंने उनसे डिस्कस किया था, इसी चैट में आपको वो सब भी देखने को मिल जाएगा। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि मेरी आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उनका लाभ उठा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं चलता हूं अपने व्हाट्सएप पे जहां पर मैंने उनसे बात की थी इस विषय में, तो आप अगर इस मैसेज को सही से पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये जो चैट है ये एक दो दिन पहले की है, क्योंकि दोस्तों मैं जब ये बात कर रहा था उस समय थोड़ा मैं बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया था आप लोगों के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे मैंने उनसे डायरेक्टली पूछा था कि कुछ ऐसी आइडिया भी हैं जो मतलब ऑलरेडी बैंड हैं और कुछ ऐसी आइडिया जिन्होंने गलती की है लेकिन उनकी आइडिया नहीं बैन की जा रही है। तो उन्होंने ये बोला था कि आप जिनकी आइडिया बैन कराना चाहते हैं अगर उसने उस पर्सन ने गलत एक्टिविटी की है और आप अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है तो आप उसकी आईडी पर रिपोर्ट मार सकते हैं। अगर आप दो तीन बार लगातार रिपोर्ट मारेंगे वो आईडी पर कितने भी लाइक हो कितने भी डिसलाइक हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर उसने गलत किया तो उसकी आईडी बैन होगी। लाइक आपकी मतलब जैसे ही आईडी आप उस पर रिपोर्ट मारेंगे, रिपोर्ट मारने के बाद उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उस आईडी को चेक करते हैं, चेक करने के बाद उस आईडी को तुरंत ही ब्लॉक कर देते हैं अगर वो सही तरीके से दिक्कत कर रहा है तो वहां पे। और जिन आईडियों को बैन कर दिया गया उनको अनबैन करने का यहाँ पे प्रोसेस पूरा लिखा हुआ है, अगर आप गौर से स्क्रीन को यहाँ पे स्क्रीन शॉट ले लीजिए और आप यहाँ पे पूरा पढ़ लीजिए ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पूरा मुझे लिख के सेंड किया था, ये देखिए 1-2 यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं या फिर मैं आपको पूरा एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है। जैसे ही आप वहां पे मतलब बैन हो जाती है आईडी और लॉगिन करते हैं तो वहां पे अप्लाई का ऑप्शन आता है, अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी आईडी टेम्परेरली ब्लॉक हुई है तो वो तो अनब्लॉक हो जाएगी, लेकिन अगर आईडी को उन लोगों ने चेक कर लिया ऑलरेडी और वो पूरी तरह से बेकार हो चुकी है आईडी तो वो आईडी फिर नहीं अनब्लॉक होगी, उसे कोई अनब्लॉक नहीं कर सकता है ठीक है। क्योंकि वो लोग ये मानते हैं कि अगर आपने बहुत बड़ी कोई गलती की है तो उसको हम अनब्लॉक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेन चीज़ ये अगर हर आईडी को अनब्लॉक कर दिया गया सॉरी बोलने से तो ब्लॉक करने का कोई मतलब नहीं है, वो लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों ठीक है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी मेरी कुछ बातें उनसे हुई, इस विषय में डिस्कस हुआ जहाँ पर उन लोगों ने इसके बारे में मुझे काफ़ी सारी जानकारी भी दी थी दोस्तों। तो चलिए बता देते हैं आपको अनब्लॉक करने का प्रोसेस क्या है। तो भाई अनब्लॉक करने का प्रोसेस ये है कि वहाँ पे जो आपको 120 वर्ड दिए जाते हैं जब आप अप्लाई के ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मेरी आईडी कितने दिन से बैन है और वहाँ पे अपनी आपको आईडी भी उसके साथ सेंड करनी है और आपको वहाँ पर मतलब उनसे सॉरी मांगना है कि भाई मैंने जो मैंने किया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी है। और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर आपको फॉलो करना है ठीक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी आइडिया होंगी जो मतलब कुछ टेम्परेली ब्लॉक्ड हैं, जो टेम्परेली ब्लॉक्ड होती हैं आइडिया वो 6 से 7 दिन के अंदर उनमें रिप्लाई आएगा ठीक है। अगर रिप्लाई आ जाता है आपको उनकी तरफ से तो आईडी अनब्लॉक कर दी जाएगी, उन्होंने ऐसा साफ बोला है। अगर आईडी में रिप्लाई नहीं आता है तो समझ लीजिए कि आईडी पूरी तरह से ब्लॉक्ड हो चुकी है, उसको अनब्लॉक अब नहीं किया जा सकता है मेरे भाई ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। अनब्लॉक करने का प्रोसेस पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सही से पढ़ लीजिए या फिर आप खुद ही आप नॉर्मली इतना समझ लीजिए कि वहाँ पे अप्लाई के ऑप्शंस पे आपको अपनी जो भी आपने गलती की है उसको आप स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए,
तो हो सकता है आपकी आईडी अनब्लॉक कर दी जाए। अगर आप उसको मानते हैं कि नहीं मैंने ये गलती नहीं की है और आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया गया, तो आप उसको अपना जो आईडी नंबर है वो जरूर सेंड कर दें ताकि वो आपकी आईडी को चेक कर सकें। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, नए रूल्स आए हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, जिससे आपकी आईडी ब्लॉक ना हो आगे से और आप लोग ऐसी प्रॉब्लम में ना फंसे। तो दोस्तों कुछ टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अभी रेगुलरली स्टार्ट किए हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इन लोगों ने ये कहा है कि अगर आप हैगो एप्लीकेशन के अंदर कोई भी सेक्सुअल कंटेंट शेयर करते हैं या फिर मंगवाते हैं या फिर सेंड करते हैं, ठीक है, तो आपकी आईडी पूरी तरह से ब्लॉक कर दी जाएगी। अगर आप किसी चैट रूम में बैठे हैं और वहां पे गालियां देते हैं और किसी ने आपके उस समय रिकॉर्ड मतलब गाली देते हुए किसी ने आपको रिपोर्ट मार दिया, तो आपकी आईडी उस टाइम पे भी ब्लॉक कर दी जाएगी। अब इसके बारे में मैंने उनसे बात की थी कि भाई कुछ लोग गालियां देते हैं लेकिन उनकी आईडियां ब्लॉक नहीं होती हैं, मैंने खुद रिपोर्ट मारी है, तो उन्होंने मुझे टेम्परेली डायरेक्ट अपना मतलब आईडी का स्क्रीनशॉट मांगा था। ये देखिए मैंने उनको अपनी आईडी भी सेंड की थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप अपनी खुद की पर्सनल आईडी से मारेंगे तो अगर आप रिपोर्ट मारते तो मैं डायरेक्टली तुरंत ही आपकी आईडी को चेक करूंगा, आपने जिस आईडी पर रिपोर्ट मारा होगा उस आईडी को तुरंत ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो उन्होंने मैंने उनसे ये अथॉरिटी तो ले ली है कि मतलब कैसे आईडी को मतलब तुरंत ही ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन अनब्लॉक करने का उन्होंने प्रोसेस जो मुझे बताया है ये काम तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे 100% ये प्रोसेस काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ ऐसी आईडियाँ जिन्होंने बहुत बड़ी गलती की है तो उनको हम मतलब माफ नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए हम इनको अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। जो टेम्परेली छोटी मोटी गाली वगैरह से या फिर छोटी मोटी किसी गलती की वजह से ब्लॉक हुई हैं उनको हम अनब्लॉक कर देंगे, लेकिन आपको 7 दिन का वेट करना पड़ेगा, 7 दिन या 30 दिन का वेट करना पड़ेगा तभी हम अनब्लॉक कर पाएंगे, क्योंकि उनके डेटाबेस में बहुत सारा मैसेज आता है दोस्तों, ठीक है। तो इनके मेरे कई सारे इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनसे मैंने बात की है, काफ़ी सारे मतलब हर अलग अलग जगह के अलग अलग वो हमें जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे मैंने संपर्क किया, तो ये इंडियन नंबर मुझे बहुत मुश्किल से मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडियां ब्लॉक हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी मतलब कुछ पर्सनल लड़ाई के कारण उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनकी आईडियां भाई लोगों की बैन हो गई हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है दोस्तों। अब जैसे मेरी आईडी है यहाँ पे भाई इतना रोज का इतना रिपोर्ट आता है, मेरी आईडी पे इतनी रिपोर्ट आती है, इतनी रिपोर्ट आती है, कुछ कहने को नहीं। अगर मेरी आईडी में कुछ भी गलत एक्टिविटी हो जाए तो ब्लॉक हो सकती है, लेकिन इतना रिपोर्ट आने के बाद भी मेरी आईडी ब्लॉक नहीं होती है। मैंने इसीलिए इस आईडी को वेरीफाइड कराया था अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी आईडी पर लगातार ऐसे रिपोर्ट आते ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी भी आईडी पे लगातार ज्यादा रिपोर्ट आते हैं, आप इसको लीगल तरीके से अपना नंबर व वेरीफाइड ईमेल वगैरह सबको डाल के वेरीफाइड कर लीजिए अकाउंट को एक बार, और जैसे ही आपकी आईडी पे रिपोर्ट आती है आपने गलत एक्टिविटी नहीं की है, 2 बार आईडी अगर आपकी वहां पे चली जाती है और दोनों बार वेरीफाइड होकर आ जाती है सही तरीके से, तो तिबारा चाहे जितना कोई आपको मतलब रिपोर्ट मारे जल्दी से मान्य नहीं होगा जब तक कि कोई स्पेशल व्यक्ति आपकी आईडी पे रिपोर्ट नहीं मारता। स्पेशल व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे मैं आपको बताता हूँ। स्पेशल व्यक्ति का मतलब ये है कि या तो कोई हैगो एप्लीकेशंस का कर्मचारी हो या फिर ऐसा व्यक्ति जो हैगो एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है और वो उनके बहुत ही करीबी। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपकी आईडी पे मतलब फिर से रिपोर्ट मारता है तो हो सकता है आपकी आईडी एक बार फिर से चेक की जाए। वैसे पर्सनली 2 या 3 बार ही चेक की जाती है, इससे ज़्यादा अगर आप बार बार किसी को गलत फ्लैग मारते हैं उसने गलती नहीं की है तो आईडी फिर आपकी मुसीबत में आ सकती है। आप किसी को गलत फ्लैग भी नहीं मार सकते, मतलब आप गलत तरीके से अगर आप किसी को रिपोर्ट मारते हैं उसने कोई भी गलती नहीं किया और बार बार आप उसको रिपोर्ट मार रहे हैं तो इसमें आपकी भी आईडी जाने का खतरा है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण आपने किसी की भी आईडी पर रिपोर्ट और फ्लैग मारना स्टार्ट कर दिया, वो मान्य नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपको पहले बता देता हूँ अभी। हाँ, बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूजन और चल रहा था मेरे भाई, जो मैं इसी वीडियो में क्लियर करने पा रहा हूँ, कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि या बहुत सारे लोग बोलते हैं लाइक के बदले लाइक दो, ठीक है, उससे क्या होता है और उसका मतलब इस ब्लॉक आईडी और अनब्लॉक आईडी में क्या प्रोसीजर होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ज्यादा लाइक होने के कारण आईडियां ब्लॉक नहीं होती हैं, तो मैंने क्लियरली इसके बारे में उनसे बात की है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, नहीं कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी आईडी पर चाहे 10 मिलियन लाइक हो, अगर आपने कुछ गलत किया तो आपकी आईडी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी छूट उनकी तरफ से नहीं है। तो ऐसे भ्रम में ना पड़े कि हम किसी को भी गाली
गाली देंगे और 10,000 लाइक या 15,000 50,000 लाइक कंप्लीट कर लेंगे जिससे हमारी आईडी ब्लॉक नहीं होगी, तो ये आपकी एक गलत फहमी है मेरे भाई, ठीक है। आगे आपको हैगो एप्लीकेशन से रिलेटेड काफी सारी मैं इनसे डिस्कस करके और भी वीडियो लाने वाला हूँ, तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। उम्मीद है आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर दो, मिलते हैं किसी नई इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।